सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल देवजीत वाइटी गेमर। आज की इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो आज का टॉपिक स्नाइपिंग के ऊपर है कि आपका स्नाइपिंग किस तरह से आप अपने स्नाइपिंग को बेटर कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। अगर आप स्नाइपर हो अपने टीम में तो आप अपने स्नाइपिंग को किस तरह से और अच्छा बना सकते हो, उसी के बारे में मैं कुछ ड्रिल्स को बताऊंगा और उसको कब यूज़ में लाना है वो भी मैं बताऊंगा। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The night has come, it's cold and losing my control. So hey guys, सबसे पहला पॉइंट पीक एंड क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। इसमें आपको क्या करना है, कोई सा एक कवर आपको लेना है और कवर से सपोज यहाँ पे खड़ा होना है, मैं जैसे खड़ा हूँ इस कवर से, आपको क्या करना है यहाँ से कोई एक टारगेट को चूज़ करना है 45 मीटर 50 मीटर। पहले आप नज़दीक वाले टारगेट को चूज़ करो और उस टारगेट पे आपको हिट करना है पिक करके उसके हेड पे हिट करना है। ये पिक लो और उसके हेड पे हिट करो, ज़्यादा कम से कम पिक लेके उसके हेड पे हिट करो। तो इससे क्या होगा, इससे अगर सामने बंदा रहेगा तो वो आपको हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप कम से कम पिक दे रहे हो और उसका वो आप उसको नॉक कर दोगे इजीली। आप कम से कम पिक दे रहे हो और उसको आप उसके बॉडी उसका बॉडी को पूरी तरह से आप देख पा रहे हो और आपका बॉडी वो नहीं देख पा रहा, तो आप उसको नॉक कर सकते हो। अगर ये कब यूज़ करना है, ये अगर आपके सामने एआर लेके कोई बंदा खड़ा है और वो आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आपको डैमेज दे पाएगा लेकिन आपको नॉक नहीं कर पाएगा और आप क्या कर दोगे, उसको नॉक कर दोगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है तो इससे आपका एक कुछ हद तक स्नाइपिंग में सही हो सकता है, ठीक है। अब बात रहा कि वो एआर चला रहा है तो आप उसको मार दिए, अगर सामने अगर स्नाइपर है सेम टू सेम आप पे जैसे स्नाइपर है वो भी अच्छा स्नाइपिंग करता है तो फिर आप कैसे करोगे, तो उसके सामने तो आप पिक नहीं ले सकते हो। सो अगर आपके सामने बंदा स्नाइपर लेके है वो भी आपके जैसे स्नाइपिंग करता है, वो अच्छा स्नाइपिंग करता है सपोज, तो आप उस पर तो पिक नहीं ले सकते क्योंकि आप जैसे ही पिक लोगे तो वो आपको भी मार सकता है, है ना। जैसे ही आप अगर पिक लोगे तो वो अगर स्नाइपर अच्छा स्नाइपिंग करता है तो वो आपको मार सकता है। उसके समय उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको पीक नहीं लेना है। अगर सामने स्नाइपर है तो आपको उस सिचुएशन में पीक नहीं लेना है। आपको उस सिचुएशन में जस्ट पूरे बॉडी को आपको बाहर निकालना है और फिर मारना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अगर वो सामने बंदा पीक ले रहा है तो आपको पूरे बॉडी को बाहर निकालना है और ये मारना है और फिर कवर पर आ जाना है। ये बॉडी को बाहर निकालना है और ये मारना है और फिर कवर में आ जाना है। इससे होगा क्या है कि वो बंदा आपको ठीक इस जगह पे एम करके रखा होगा और आप उसके एम से बाहर आ गए तो वो आपके एम करते करते आप उसको मार दोगे, ये होगा आपका फ़ायदा। तो जब आपको आपके सामने अगर स्नाइपर लेके कोई खड़ा है तो फिर आपको वैसे ही मारना है, और अगर एआर लेके है तो फिर आप पिक लेके मारो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कम दूरी को चूज़ करना है, ठीक है, 50 मीटर्स 45 मीटर ये आपको लेना है। जब ये आपका सही हो जाए तो फिर आप 100 मीटर लो 200 लो, जितनी दूर हो सके उतने दूर को लो और आराम से उसको मारने का प्रैक्टिस करो। तो ये आपका पहला नंबर पॉइंट था जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा गाइस, तब आपका सही होगा। नंबर पॉइंट आपका रनिंग शॉट है। रनिंग शॉट बोले तो कैसा, तो रनिंग शॉट ये नहीं कि अगर कोई बंदा दौड़ रहा है तो उस पर आपको शॉट लगाना है, वो रनिंग शॉट नहीं। रनिंग शॉट ये हुआ कि आप चल रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, ये चलते चलते आपको शॉट लगाना है जिससे आपका स्कोप देख पा रहे हो कैसे हिल रहा है, स्कोप हिल रहा है इस समय आपको शॉट लगाना है। तो रनिंग शॉट बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं हो पाता, तो रनिंग शॉट कैसे लगाना है, आप ये सपोज ये आप मूव कर रहे हो ये लिए शॉट और ये मार दिया। तो देखे ना गाइज ये मैं कैसा है, उसके हेड पे मारा, ये मैं उसके हेड पे मारा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मारा हेड, ये कैसे होगा। तो ये आप मूव कर रहे हो, जैसे ही आप बंदा को मारने का कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहला बात आपको क्रॉस हेड उस पर रखना होगा, उस बंदे के ऊपर, एनिमी के ऊपर क्रॉस हेड रखना होगा और आप ये मूव करते करते आप उसके ऊपर जैसे ही स्कोप खोलोगे तो आपको मूवमेंट रोक के मारना है और फिर आपको मूव करना है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ये चल रहे हो मूव कर रहे हो, आप जैसे स्कोप खोल रहे हो उसको मारना है। और तभी उस समय क्या करना है, स्कोप जैसे ही खोले आपको जॉयस्टिक से थोड़ी देर के लिए फिंगर को हटा लेना और ये हिट करना है और फिर आपको जॉयस्टिक से मूवमेंट करना है। तो ये आपको जल्दी में करना है, आप ये मूव कर रहे हो ये रोकना है और ये मारना है फिर ये मूवमेंट करना है। तो ये हुआ आपका रनिंग शॉट, ठीक है ना गाइस, ये हुआ आपका रनिंग शॉट।
और हाँ गाइज, अगर आप किसी से लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको एक शॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये पीक जिगल करना है। इससे क्या होगा कि आप बच सकते हो उसके बुलेट से, इससे आप वो बच सकते हो। आपको पता नहीं चलता है कि आप, ये आपको देखने से नहीं लगता है कि आप ज़्यादा कर रहे हो, इससे बच पाएंगे कि नहीं, लेकिन इससे ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये इससे आप बच सकते हो। क्योंकि इससे क्या होता है, पीक जिगल करोगे तो इससे आप बच सकते हो, उसका बुलेट, एनिमी का बुलेट आप पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो ये आपका सेकंड नंबर पॉइंट था गाइस। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर क्विक स्कोप प्रैक्टिस। तो क्विक स्कोप प्रैक्टिस कैसे होगा, तो क्विक स्कोप प्रैक्टिस सबसे पहले मैं ये बता दूँ क्विक स्कोप होता क्या है। ये आप स्कोप ऑन किया और ये मार दिए, ये हो गया क्विक स्कोप। मतलब क्या, आप स्कोप ऑन करके आप बंदे को देखे भी नहीं आप मार दिए, ये हो गया क्विक स्कोप। मतलब जल्दी से स्कोप ओपन करना है और मारना है। तो ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा। इसके इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये जितने भी मूविंग टारगेट आपको दिख रहे हैं इसको एम करो, ये जितने भी मूविंग टारगेट दिख रहा है इसको एम करो, मूविंग टारगेट है इसको एम करो, मूविंग टारगेट इसको एम करो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, मूविंग टारगेट को एम करो। लेकिन हाँ, मैं फिर से दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस करना है तो उससे पहले आपको क्रॉस एयर प्लेसमेंट आना चाहिए, और हर एक टिप्स और ड्रिल्स में, ट्रिक्स में क्रॉस एयर प्लेसमेंट आता ही है। क्रॉस एयर को आपको उस बंदे के ऊपर रखना ही होगा, तभी आप मार सकते हो। ये मूविंग टारगेट है उसके ऊपर क्रॉस एयर रखा और ये मारा, ये मूविंग टारगेट है उसके ऊपर क्रॉस एयर रखा ये मारा, तो क्रॉस एयर प्लेसमेंट को आपको रखना ही होगा, तभी आपका ये सही हो सकता है। तो क्विक स्कोप आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बता दिया कि ये मूविंग टारगेट को मारो, इससे आपको क्विक स्कोप प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये जब हो जाए ट्रेनिंग ग्राउंड में, जब ये प्रैक्टिस हो जाए क्विक स्कोप का, तो आप टीडीएम में चले जाओ और टीडीएम में कोशिश करो बंदों को क्विक शॉट मारने का। आप टीडीएम में जाकर क्या करो, जीतने की कोशिश मत करो, आप भले ही हार जाओ कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोशिश करो सीखने का। टीडीएम में जाकर आप क्या करो, दो स्नाइपर उठा लो और स्नाइपर से क्विक शॉट लेने का कोशिश करो, क्विक स्कोप शॉट लेने का कोशिश करो। इससे क्या होगा, आप थोड़ी देर कुछ मैच के लिए मारोगे, कुछ मैच में मारोगे, धीरे धीरे जब आप मारने लगोगे एक बंदा दो बंदा जब ऐसे मारने लगोगे तो आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं चलो मैं अब सीख रहा हूँ, अब मेरे से कुछ हो सकेगा। तो जब आप टीडीएम में धीरे धीरे एक मैच दो मैच तीन मैच हारोगे और जब आप सीख जाओगे अच्छी तरह से, तब फिर आप एक भी मैच नहीं हारोगे और ईजिली से तब आप क्विक शॉट ले सकते हो ईजिली। तो ये आपका तीन नंबर पॉइंट था गाइज। नेक्स्ट फोर नंबर पॉइंट, क्रॉस एयर प्लेसमेंट। ये मैं अलग से एक इसका पॉइंट इसलिए बनाया मैंने क्योंकि क्रॉस एयर प्लेसमेंट तो सभी में आ रहा है, लेकिन मैंने इसका एक अलग से पॉइंट इसलिए बना दिया क्योंकि क्रॉस एयर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्रॉस एयर प्लेसमेंट। तो आपको क्रॉस एयर प्लेसमेंट को सही करने के लिए क्या करना होगा, तो क्रॉस एयर प्लेसमेंट को सही करने के लिए आपको क्या करना है, ये मूविंग टारगेट है तो हर एक मूविंग टारगेट के ऊपर ऐसे करके क्रॉस एयर आपको रखना है, ये क्रॉस एयर एक यहाँ 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 ऐसे करके आपको चेंज करते रहना है और हर एक में शॉट एक एक हिट करना है, शॉट लगाना है। ये आपको क्रॉस एयर इस पर ऐसे ऐसे ले जाना है, ठीक है, क्रॉस एयर ले जाना मारना। और इसका और एक बेस्ट तरीका क्या है, तो क्रॉस एयर प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रैंडम फायर लगाना होगा। रैंडम फायर कैसे, आप चल रहे हो अचानक से स्कोप खोले और रैंडम फायर किए, सपोज़ ये बंदा है स्कोप खोले रैंडम फायर किए, सपोज़ ये बंदा है स्कोप खोले और रैंडम फायर किए, ऐसे रैंडम फायर करना है आपको। आप मूवमेंट कर रहे हो आपको रैंडम फायर करना है, तो क्रॉस एयर को आपको उस जगह पर ले जाना है। सपोज़ आप यहाँ पर एनिमी है, सपोज़ यहाँ पर एनिमी है तो आपको वहाँ पर क्रॉस एयर रखना है और मारना है, ये हो गया क्रॉस एयर प्लेसमेंट। नेक्स्ट फाइव नंबर पॉइंट क्या है आपका, स्कोप सेंसिटिविटी। स्कोप सेंसिटिविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। ये अगर आपके पास सही नहीं है तो आप किसी भी रील्स को आप प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं हो सकता उस रील्स का, उस रील से आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही आपका स्नाइपिंग अच्छा होगा ना ही कुछ अच्छा होगा। इसलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है टिप है क्या आपका, स्कोप सेंसिटिविटी। स्कोप आपका 6x या 4x या 8x, आप जिस भी स्कोप को यूज़ करते हो स्नाइपिंग के लिए, उस स्कोप का सेंसिटिविटी आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो सेंसिटिविटी आप यूज़ करो,
तब जाके आपका स्नाइपर जो है वो सही हो सकता है। तो आप पहले सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ और अपने स्कोप का सेंसी क्या है उसको आप कुछ दिन प्रैक्टिस करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोप के लिए बेस्ट सेंसी क्या है और उस सेंसी को आप यूज़ करो, तब जाके आपका स्नाइपिंग सही हो जाएगा। सो आज का ये 5 टॉपिक था गाइस जिसको मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने और हाँ गाइस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भूले ना, अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करो। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। टिल देन वी सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय गाइज़।